इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका था इसके बारे में डिटेल में हम बात कर चुके हैं क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो आपकी अठारह तीन दो रहने वाली है आज से पाँच दिन बाद तो एक लास्ट रिमाइंडर जो है वो आपको देने वाला हूँ नेक्स्ट हम बात करेंगे देखिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में वॉक इन इंटरव्यू फॉर पोस्ट टेक्निकल रेडियो डायग्नोसिस जिसमें कि बी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल है जैसे ही आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो है जिसमें की यह पोस्ट जो है वो टेक्निकल रेडियो डायग्नोस्टिक की पोस्ट है जिसमें की आपका इंटरव्यू जो है सत्रह तीन दो हजार तेईस को रहने वाला है सुबह नौ से साढ़े दस के बीच में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो आपका मुंबई में है वहां पर यह वैक वर्किंग इंटरव्यू जो है वो रहने वाला है क्या कुछ क्वालिफिकेशन है तो देखिए बी एस सी रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी और करके क्या लिखा हुआ बी एस सी सब्जेक्ट इन बी फार्मा विथ टू ईयर मिनिमम डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी ठीक है फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड टेक्निक से होना चाहिए ठीक है कैंडिडेट जो है वो एक एक साल का जो है आपको एक्सपीरियंस जो है मिनिमम होना चाहिए पच्चीस से पैंतीस हजार जो है इसकी सैलरी है और आपका वॉक इन इंटरव्यू जो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो मुंबई में परेल में है यहाँ पे होने वाला है बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी नेक्स्ट चलते हैं देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम पहले बात कर चुके हैं यहाँ पे जो आपका जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएशन पांडिचेरी में है जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, की ये जॉब है जिसमें कि काफी सारी मेडिकल पैरामेडिकल मेडिकल पोस्टें हैं ऑनलाइन अप्लीकेशन बाईस दो को स्टार्ट हो चुके थे और अट्ठारह तीन को खत्म होने वाले हैं और इसके एग्जामिनेशन डेट जो है वो भी आ गई है जी हाँ अप्रैल फर्स्ट वीक में इसका एग्जामिनेशन डेट जो है वो आ गया है इसके रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन अपडेट था फार्मासिस्ट की टोटल पांच पोस्ट है जिसमें कि दो तीन आपकी यूआर की और दो पोस्ट जो आपकी एस की पोस्टें रहने वाली है क्वालिफिकेशन क्या थी इसके बारे में भी हम कंप्लीट बात कर चुके हैं यहाँ पे आप देख पा रहे जैसे नीचे स्कोल डाउन आप करेंगे तो फार्मासिस्ट में देखिए डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मासी जो है वो दोनों ही एलिजिबल है बस सर डिग्री वालों को एक साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं डिप्लोमा वालों को टू ईयर का एक्सपीरियंस जो है मांग रहे हैं रजिस्टर्ड फार्मा फार्मासी एक नाइनटीन फोर्टी मतलब कि सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है इसका मतलब ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट रजिस्टर्ड यहाँ पे एलिजिबल है बस सर आपको बी फार्म को एक साल और डी फार्म को दो साल का एक्सपीरियंस जो है होना जरूरी है ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल एज लिमिट जो है यहाँ पे थर्टी ईयर एज लिमिट जो है वो दे रखी है ठीक है जी तो इसी के साथ इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ऐसे ही फार्मा रिगार्डिंग न्यूज़ अपडेट वैकेंसी जॉब अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं फार्मा एफिनिटी जहां आपको फार्मा जॉब्स के रिगार्डिंग फार्मा नोट्स आ, फार्मेसी नोट्स फार्मा एग्जाम पेपर सारे सब कुछ मिलने वाले हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कल हम बात कर चुके हैं सिपाही फार्मासिस्ट का जो लास्ट डेट है पंद्रह तीन ही है तो यहाँ पे देखिए सिपाही फार्मा को रिगार्डिंग मैंने एक जो प्रैक्टिस सेट लगा दिया है तो जो भी स्टूडेंट नए हैं इस प्रैक्टिस सेट को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं किस हिसाब से क्या कुछ क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं बाकी सारी करंट जो आपकी जॉब है उसके भी नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि एस एस में आ रखी है आपकी यहाँ पे अभी हाल ही में जो है पोस्ट आ रखी है ये सारा नोटिफिकेशन जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है चलिए तो कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बताए कमेंट सेक्शन में लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव फार्मास न्यूज़ अपडेट वैकेंसी अपडेट वीडियो लेक्चर्स के लिए कीॉचिंग स्टेट हो